संविधान में अधिकार दे रखा है, अगर आप गैर बिरादरी की शादी करेंगे तो सरकार से फंडिंग मिलती है, गैर धर्म से शादी करेंगे तो ये भाईचारे का संदेश है। क्या भारत के अंदर ऐसी शादियां नहीं हुई? क्या बाबा साहब ने शादी नहीं करी? उन्होंने भी एक ब्राह्मण लड़की से शादी की, लेकिन कारण कुछ और है। ये तो मुस्लिम और दलित का प्यार घनिष्ठता चल रही है, नज़दीकी जा रहे हैं, और संवैधानिक बात करने लगे तो इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है। हत्यारा हत्यारा है, चाहे वो मुस्लिम लड़का हो या कोई और बिरादरी का हो, उसको पकड़ा जाए और उस पर प्रॉपर जल्द से जल्द पीड़ित फैमिली को न्याय मिले, ऐसी मेरी आप सबों से अपील है। लेकिन कहा जाता है जातियां हिंदुओं में होती है, मुसलमान भी जातियों को मानते हैं। जी, भारत की एक आपको बहुत कड़वी और सच्चाई बात बता दूं, मेरे बहुत से मुस्लिम फ्रेंड भी हैं, शिक्षित लोग हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ सिर्फ नमाज पढ़ने से आप मुसलमान हैं? क्यों कई मेरे रिश्ते की बात चलती थी, तो रिश्ते जैसे उनकी बात बहन भाइयों की या उनके बच्चों की बातें चलती है तो कहते कौन सी बिरादरी का है, वो कौन सी बिरादरी का है? मुस्लिम धर्म के अंदर भी किसी ने खान लगा दिया तो खान के ऊपर भी, अरे वो तो वो खान कैसे लगा लिया, वो तो सेफ ही है, अरे उसने खान कैसे लगा लिया, अरे वो तो वो पानी पिलाने वाले लोग हैं। तो इस तरीके की मेंटलिटी मुस्लिम तबके के अंदर भी है, जब ये रिश्ता करना चाह शुरू करते हैं तो उसका खानदान उसका वो देखते हैं उसकी जाति कौन सी थी हिंदू वो मुस्लिम धर्म से पहले। ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने से आप अपने आप को मुसलमान मान रहे हो, या इस तरीके से एक दूसरे को गले मिलने से ही आप अपने आप को मुसलमान मान रहे हो, तो मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान का मतलब है पूरा अपने धर्म के अंदर इंसान इंसान एक है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। लड़का एससी नहीं होता, अगर ब्राह्मण होता तो क्या इसकी हत्या होती? देखिए, जिसके दिमाग के अंदर क्रिमिनल माइंड के अंदर दिमाग के अंदर कुछ बैठ गया तो वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्राह्मण लड़की या मुस्लिम लड़की या ब्राह्मण लड़के वाली बात पढ़ाई है, उसमें तो शादी करी ना एक दलित लड़के से मुस्लिम, यही तो दिक्कत। एक और आपको अभी बात बता रहा हूँ, साउथ की बात बता रहा हूँ, आपने नहीं देखा होगा, एक बढ़िया की लड़की और एक दलित का लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी शादी के हुआ करके उनके करीब 8-9 महीना हो गए थे, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ आपको, लड़की के पेट में बच्चा था, अब शायद अब बच्चा हो भी गया है, सरे आम उस लड़की के सामने उस लड़की के बाप ने उसको कत्ल कर दिया, तलवार से मारा गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इस तरीके की सिर्फ आप मुस्लिम लड़के ने मार दिया है, ये क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो जाति की वजह से या किस वजह से हुआ या धर्म की वजह से हुआ है, ये उनके जो जांच में पता लगेगा, उसके जब बातें होंगी गवाही होंगी अदालत में के तहत में उसे पता लगेगा कि भाई किस मेंटलिटी के आधार पर किस सोच के आज पे इस तरीके का उसने क्राइम किया है, क्यों किया है। इससे मैसेज गलत जा रहा है, जो दलित और मुस्लिम का भाईचारा बढ़ रहा है, अगर भारत के अंदर जो दंगे कराने की कोशिश की जा रही है उसमें इस तरीके की घटना कहीं वो किसी ऐसे संगठन से तो नहीं मिला हुआ है जो इस तरीके की बातें घटनाओं को फैलाने के चक्कर में लगे हों। तो शांति बनाए रखें, कोई इस तरीके की बात द्वेष भावना ना फैलाएं, ना उसमें इस तरीके की कोई चीज़ें रखें, अगर किसी ने क्राइम किया है वो संविधान तौर पर उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जो नेता हैं हिंदुओं के मुस्लिमों को जय भीम जय भीम का नारा देते हैं और वो कहीं अब खुल करके जो इस मामले में ओवैसी का कोई बयान नहीं आया इस पूरे मामले पर, वो भी हैदराबाद से। देखिए, ओवैसी जो हैं वो लगातार हम बोलते आ रहे हैं, वो तो RSS BJP का आदमी है, वो एजेंडी की गिरी करते हैं, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं जहाँ भी कुछ नहीं तो मुसलमानों को बैठा बहकाने के लिए अपना कैंडिडेट उतार देते हैं। सिर्फ बयान देने से आप समाज के ठेकेदार नहीं बन जाते हो, समाज के अंदर गलत कुरीतियों के खिलाफ में भी उन्होंने आवाज़ उठानी पड़ेगी और इस तरीके की घटनाओं पे उन्होंने अपने व्यूज अपनी बात रखनी पड़ेगी, ताकि जो दलित और मुस्लिम प्रेम है वो बरकरार रहे। ये हमारे देश में जाति को लेकर बड़ा अत्याचार फैला जा रहा है, दलितों के जो है मुर्दे भी नहीं जलाने दिए जा रहे हैं, उनको अलग स्थान दिया जाता है, कब तक सहते रहेंगे इस तरह की घटनाएं? ये घटनाएं अभी बढ़ी हैं, ये घटनाएं अभी बढ़ी हुई हैं। कारण क्या है? जाति विशेष की के लोग जो सत्ता में आ गए हैं उनके दिमाग में संविधान का खौफ खत्म हो गया है, हमारे अधिकारी उच्च लेवल पे उस पावर में नहीं है, ना वो काम कर पाते हैं, उन्हें संविधान के तहत में रह करके
अगर समाज की रक्षा करने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा, और संविधानिक पद पे बैठा हुआ कोई भी किसी बिरादरी का आदमी हो, अगर कोई किसी मुर्दे को जलाने के लिए मने करते हैं, हीन भावना रखते हैं, या शादी पे घोड़ी पे कोई आदमी बरात लेकर जा रहा है उसके ऊपर हमला करते हैं, ये संविधान का खुला उल्लंघन है। इनके ऊपर देशद्रोही का केस चलना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की घटनाएं घटते हैं। यदि दूसरे जाति में धर्म में शादी की जाती है तो सरकार तो उसको जो काफी प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, धनराशि भी देती है उनको रहने के लिए, आवास, उस तरीके की बहुत सारी चीज देती है। आपने देखा, अगर आप बालिग हैं तो आप कानून की शरण में जाइए, कानून उसको वो देगा, सुरक्षा देगा, ऐसा होता भी है। लेकिन जो गलत काम इस तरीके कर जाते हैं, किसी ने क्राइम कर दिया, किसी की हत्या कर दी, क्या वो सुरक्षित रहेगा? क्या उसकी उसको कभी ये महसूस नहीं होगा कि मैंने एक इंसान की हत्या कर दी है, और वो भी उसकी जिसकी बहन उसे तहे दिल से प्यार करती थी, उसके साथ शादी की है। तो ये जो किया है किस माइंड पे किया है, किस उसकी मनोदशा किस तरीके की हुई होगी, तो वो बता सकता है। अरे जांच का विषय है, जांच के अनुसार ये सब बातें सामने आएंगी। लेकिन मेरी अपने बहुजन समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से अपील है, कोई इस तरीके की कोई बातों में ना आए, इस तरीके की भड़काऊ स्थिति में ना आए, ताकि देश में माहौल बिगड़े। देखिए, ऑनर किलिंग तो भारत के अंदर लगातार हो रही है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आप दलित की बात कर रहे हैं। ये जो राजनीति चलती है, किसी के परिवार में भी अगर कोई गलत कदम उठाता है तो जाति, एक ही जाति के भी लोग होंगे वहाँ पे भी ऑनर किलिंग होती है। ये जो मामला आप दूसरे तरीके से, दलित और मुस्लिम जो प्यार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ को घुमाने की कोशिश की जाती है कि आज जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नज़दीकी किसी के को सपोर्टिंग मिल रही है, वो दलित और मुसलमान एक साथ आने की स्थिति पे हैं। अगर ये फूट में अलग रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो नफरती संगठन हैं, जो नफरत फैला करके दंगे करा करके, पहले धार्मिक कराते थे, अब जातीय दंगे कराने के चक्कर में हैं। क्योंकि बहुजन समाज के लोग, जिनमें दलित समाज के लोग जागरूक जो हैं, उनका एक अपना लेबल, एक स्टैंडर्ड बना है, वो संवैधानिक बात करते हैं, वो ज्ञान की बात, विज्ञान की बात करते हैं, और सही गलत का बहुत बारीकी से उसका सर्वेक्षण करने के बाद में ही अपनी बात बोलते हैं। ये बात जो, ये जो मर्डर हुआ है, बहुत से हो सकते हैं मानसिक कुछ दिवालियापन वाला जिसने ये मर्डर किया है, उसको कानून है, कानून के तहत सजा मिलेगी। लेकिन हत्या जो की है वो गलत है। अगर हत्या ऑनर किलिंग वाली मामला उसकी बहन का और उसके हिंदू और दलित का मतलब नहीं था, ये मतलब हुआ है एक भारतीय नागरिक की, उसकी आज़ादी की, उसके हक अधिकार की, हत्या करना।